नमस्कार, वेलकम यू गाइस वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो बीएससी पार्ट थर्ड के लिए यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 9 लेकर आए हैं हम। लास्ट आपको याद हो तो हम लोगों ने पेप्टाइड शुरू किए थे। पेप्टाइड्स क्या होते हैं? जब हम एमिनो एसिड्स को आपस में कौन से बॉन्ड से जोड़ देते हैं? पेप्टाइड लिंकेज से जोड़ देते हैं, तो जो बनते हैं वो पेप्टाइड्स बनते हैं। ठीक है, पेप्टाइड्स अगर दो एमिनो एसिड्स को जोड़ा है पेप्टाइड लिंकेज से तो डाई पेप्टाइड्स, तीन को जोड़ा है तो ट्राई पेप्टाइड्स, चार को जोड़ा है तो टेट्रा पेप्टाइड्स। जब हम इस तरह से अमीनो एसिड्स को जोड़ते जाते हैं तो बहुत सारे अमीनो अम्ल जोड़े हैं तो उनको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। और पॉलीपेप्टाइड्स ही क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। बहुत ही थिन लाइन होती है पॉलीपेप्टाइड्स में और प्रोटीन्स में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, पिछले लेक्चर में हमने पेप्टाइड्स कैसे बनाएंगे वो देखा था। पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स दोनों बनाने की विधियाँ देखी थी। जो पहली विधि थी उसमें हमने डाई पेप्टाइड्स बना सकते थे, तो मैक्सिमम 10 अमीनो अम्ल जोड़ने या तो हम पहली विधि का यूज़ कर सकते थे। ठीक है, और अगर दूसरी विधि में हमने क्या देखा था, अगर हमको बहुत सारे अमीनो अम्लों को आपस में जोड़ना है, मान लो 100 200, तो हम उस सेकेंड विधि का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो पॉलीपेप्टाइड्स के संश्लेषण के लिए थी। ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि जो आपको पहली विधि बताई थी उसका जो स्टेप नंबर थर्ड था वहाँ पर ये गड़बड़ हो गई है बच्चों। सी एच है, सी डबल बॉन्ड ओ जो था उससे मैंने एन एच सी बी जेड जोड़ दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों में थोड़ा सा सेंस हो तो देख लेना कि पीछे वाला स्ट्रक्चर तो सही है। वहाँ जो ये ग्रुप है किससे जुड़ा हुआ था? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो गलती से जल्दबाजी में इस कार्बन की बजाय मैंने कार्बोनिल से इसको जोड़ दिया, तो आप सही कर लीजिएगा। कार्बोनिल पर नहीं है, किस पर है? सी पर है। तो एन एच सी बी जेड इधर आएगा और यहाँ पर जो भी जुड़ा हुआ था वो आप जोड़ दीजिएगा, बस इतना कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं पेप्टाइड्स में वो है सिक्वेंशियल एनालिसिस। सिक्वेंशियल एनालिसिस क्या होता है? जैसे हम बात कर रहे हैं पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स में क्या होगा, मान लो कोई अमीनो एसिड है, हमें नहीं पता कौन सा है, तो सी एच इस पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है आर। ठीक है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है एन एच टू ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ ये दूसरे अमीनो एसिड की ग्रुप से जुड़ा हुआ है एन एच, यहाँ पर है सी एच आर और यहाँ पर जुड़ा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये कोई हमारा क्या है? डाई पेप्टाइड है। ठीक है, कोई भी अमीनो एसिड जुड़े हुए हो सकते हैं इसमें, ये कोई हमारा डाई पेप्टाइड है। तो सिक्वेंशियल एनालिसिस क्या होता है? ये सिक्वेंशियल एनालिसिस एक तरह का स्ट्रक्चर एनालिसिस होता है। स्ट्रक्चर मतलब उसकी संरचना को ज्ञात करना। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दो टर्मिनल्स हैं, ये वाले ग्रुप तो आपस में रिएक्ट करके जुड़ गए तो ये तो पार्ट नहीं लेंगे रिएक्शन में, है ना, इन दोनों पर तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये ग्रुप फ्री है, अगर हम डाई पेप्टाइड में बात करें तो एक तो ये वाला ग्रुप फ्री है और एक ये वाला ग्रुप फ्री है ना। तो यहाँ पर दो टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, एक तो है एन टर्मिनल जहाँ पर एमिनो ग्रुप होता है, जिस जगह एमिनो ग्रुप मुक्त होता है उसे बोला जाता है एन टर्मिनल। क्या है ये? ये है एन टर्मिनल। और जहाँ पर सी ओ ओ एच ग्रुप मुक्त होता है उसे बोला जाता है सी टर्मिनल। तो जो हमारे पेप्टाइड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड जो भी होते हैं, उनमें दो तरह के टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है एन टर्मिनल और एक होता है सी टर्मिनल। एन टर्मिनल पर कौन जुड़ा होता है? एमिनो ग्रुप जुड़ा होता है। सी टर्मिनल पर कौन जुड़ा होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है। हमको पता करना है कि जो हमारे सी टर्मिनल यानी कि ये जो सी टर्मिनल वाला जो अमीनो एसिड है ये कौन सा है, एन टर्मिनल वाला अमीनो एसिड कौन सा है। तो इसके लिए हम एनालिसिस का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम एन टर्मिनल या सी टर्मिनल एनालिसिस। ठीक है, हिंदी में भी बताएंगे क्या बोलते हैं, तो पूरा हिंदी में ही कराना है। तो हमें एनालिसिस करना है, लेकिन एनालिसिस एक तरीके से नहीं हो सकता। एनालिसिस का मतलब होता है उसको अनुमान लगाना, यानी वो सब पता करना कि क्या है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि एन टर्मिनल पर कौन सा अमीनो एसिड था तो हम बता सकते हैं, फिर हम एक निकालेंगे फिर दूसरे अमीनो एसिड पर रिएक्शन कराएंगे। तो इस तरह से हम सारे अमीनो एसिड्स को पता कर सकते हैं कि जो हमें जो पॉलीपेप्टाइड दिया गया है उसके अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड उपस्थित हैं। ठीक है, अब बात होती है एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, दोनों अलग तरीके से होता है क्योंकि दोनों को करने के जो रिएजेंट हैं, अभिकर्मक हैं, वो अलग अलग होते हैं। एन टर्मिनल एनालिसिस करने के लिए अलग तरह के रिएजेंट यूज़ होते हैं, सी टर्मिनल एनालिसिस के लिए अलग तरह के रिएजेंट्स यूज़ होते हैं। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि एन टर्मिनल का एनालिसिस कैसे करेंगे, हम सी टर्मिनल का एनालिसिस कैसे करेंगे। मतलब है कि अगर आपको ये पता करना हो कि ये वाला अमीनो एसिड कौन सा है तो उसके लिए आप एन टर्मिनल, यहाँ पर एन ग्रुप मुक्त है तो एन टर्मिनल एनालिसिस करेंगे। आपको ये पता करना है कि ये जो राइट साइड है यहाँ पर जो अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है ये कौन सा है, तो उसके लिए सी टर्मिनल का यूज़ करेंगे। तो वही हमको पढ़ना है कि हम टर्मिनल एनालिसिस कैसे करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे। डस्टर कहाँ गया? तो आज जो हमें पढ़ना है वो है यहां से लिखें
पेप्टाइड भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, पॉली पेप्टाइड में एमिनो अम्लों का अनुक्रम या अंत्य समूह विश्लेषण। ठीक है, यहाँ पर हमें एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस जान रहा है या फिर उनका विश्लेषण करना है। और ये जो विश्लेषण है दो तरीके से करेंगे, एक होता है हमारा एन टर्मिनल एनालिसिस और एक सी टर्मिनल एनालिसिस। क्यों करेंगे दो तरीके से, क्योंकि जो हमारे पेप्टाइड्स होते हैं उसमें दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक तो होते हैं अमीनो ग्रुप और एक होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो देखते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो पेप्टाइड होते हैं ठीक है, पेप्टाइड क्या होते हैं, पेप्टाइड डाईफंक्शनल, डाईफंक्शनल का मतलब है जिनमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो डाईफंक्शनल क्या होते हैं, अणु होते हैं, डाईफंक्शनल अणु होते हैं जिनमें जिनमें एक मुक्त एमिनो समूह व एक मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह होता है। दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक तो एमिनो ग्रुप होगा और दूसरा कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ लिख सकते हैं जिन्हें अभी अभी बताया था क्रमशः एन टर्मिनल, एन टर्मिनल या एमिनो सिरा तथा सी टर्मिनल, सी टर्मिनल या कार्बोक्सिलिक सिरा कहते हैं। अभी अभी दिखाया था दो टर्मिनल्स होते हैं, एक एन टर्मिनल्स और एक होता है हमारे पास सी टर्मिनल्स। लिख सकते हैं इन सिरों का विश्लेषण है, सिर को इन सिरों का विश्लेषण कुछ विशेष अभिकर्मकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, सी टर्मिनल के लिए अलग तरह के रिएजेंट्स यूज करते हैं, एन टर्मिनल के लिए अलग तरह के रिएजेंट्स यूज करते हैं। अब इससे क्या हो जाता है, इससे जब हम जो एनालिसिस करते हैं, सिक्वेंशियल एनालिसिस करते हैं, इससे क्या हो जाता है कि तो इस हम यहाँ लिख सकते हैं कि इस प्रकार के विश्लेषण से पेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्लों के क्रम का निर्धारण हो जाता है, सीक्वेंस का पता चल जाता है कि पेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, 10 जुड़े हुए हैं और किस सीक्वेंस में जुड़े हैं। मतलब ऐसे मैं शॉर्ट में लिखूं, स्ट्रक्चर ना बुलाऊं तो एक PHE है, GLY है, ALA है, ठीक है, और यहाँ पर PHE फिर से आ गया, यहाँ पर HIS हिस्टिडीन आ गया। इसका क्या मतलब है, फिनाइल एलालिन, ग्लाइसिन एलालिन, फिनाइल एलालिन, हिस्टिडीन, ये इतने सारे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं तो ये क्या होगी, एक पॉलीपेप्टाइड चेन कह लो या तो इसे क्या कह लो, पॉलीपेप्टाइड चेन। इसका सिक्वेंशियल अभी तो मैंने तुमको लिख दिया कि पहले फिनाइल है, ये है, लेकिन प्रूफ कैसे करोगे कि पहले फिनाइल एलानिन जुड़ा हुआ है फिर ग्लाइसिन है, तो एनालिसिस करना पड़ेगा। तो या तो हम इस कोने से एनालिसिस शुरू करेंगे या तो इस कोने से, यहाँ पर होता है एन टर्मिनल, यहाँ पर कौन होता है, एन टर्मिनल, यहाँ होता है सी टर्मिनल। ठीक है, तो आप कहाँ से शुरू करोगे, एन टर्मिनल से शुरू करोगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि पहले फिनाइल एलानिन जुड़ा है, फिर ग्लाइसिन है, फिर एलानिन है, बारी बारी से हर अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता चल जाएगा। तो आपको सीक्वेंस पता करना हो कि किसी पॉलीपेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड्स और उनका सीक्वेंस क्या है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये विधि यहाँ यूज़ करते हैं सिक्वेंशियल एनालिसिस की। ठीक है,
चाहे तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि कोई अमीनो एसिड है, मान लो ऐसे लिखूँ, जिस पर एक तो जुड़ा हुआ है आर ग्रुप, एक जुड़ा हुआ है एच, एक तरफ है सी ओ, ये किसी एन एच दूसरे अमीनो एसिड के उससे जुड़ा हुआ है, इस पर एक आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, यहाँ एच है और यहाँ पर सी ओ ओ एच है और यहाँ पर एन एच टू ग्रुप होता है, तो ये कौन सा होता है, ये कहलाता है एंड टर्मिनल। ये कोई एक क्या है, ये हमारा एक डाई पेप्टाइड है, तो ये डाई पेप्टाइड का एन टर्मिनल है, ठीक है, और ये कौन सा है, ये है सी टर्मिनल। तो इस तरह से दो टर्मिनल होते हैं और इन टर्मिनल्स पे अलग अलग तरह के रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, नोट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ होता क्या है, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या किया जाता है, विश्लेषण के लिए किसी विशेष अभिकर्मक के साथ पेप्टाइड की अभिक्रिया कराई जाती है, पेप्टाइड की अभिक्रिया कराई जाती है, यह विशेष अभिकर्मक किसी एक सिरे से जुड़ जाता है जिसे जल अपघटन द्वारा पृथक कर लिया जाता है। ये एक आपको एक कॉमन कॉमन चीज़ बता दी कि यहाँ हम क्या करेंगे, कोई विशेष अभिकर्मक होगा उससे रिएक्शन कराएंगे, अब वो या तो एन टर्मिनल पर रिएक्ट करेगा या सी टर्मिनल, मान लो एन टर्मिनल से जुड़ रहा है, जुड़ गया, उसके बाद इसका क्या करा देंगे, जल अपघटन कराएंगे, तो ये वाला जो पार्ट है वो अलग हो जाएगा और बाकी का पार्ट रह जाएगा, तो जो पार्ट अलग हुआ है उसका हम एनालिसिस करके बता सकते हैं कि कौन सा अमीनो अम्ल था, तो इस तरह से किया जाता है, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे, इतना नोट कीजिए, यहाँ हम लिख सकते हैं पेप्टाइड के छोरों के या सिरों के लिख दें, सिरों के आधार पर दो प्रकार के, अभी अभी बताया था ना, दो प्रकार के एनालिसिस यूज करते हैं, एक तो होता है हमारा एन टर्मिनल और एक होता है सी टर्मिनल, तो दो प्रकार के विश्लेषण प्रयुक्त किए जाते हैं, बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है एन टर्मिनल, ठीक है, एन अंतस्थ अमीनो अम्ल का निर्धारण। सबसे पहले हम करेंगे क्या, एन टर्मिनल एनालिसिस या डिटर्मिनेशन,
एन टर्मिनल पर कौन से अमीनो अम्ल उपस्थित हैं उसका विश्लेषण करेंगे सबसे पहले, ठीक है। और इसके लिए कई सारी विधियाँ यूज़ की जाती हैं। एन टर्मिनल एनालिसिस करना हो तो इसके लिए बहुत सारी विधियाँ यूज़ की जाती हैं। तो जो हम सबसे पहले विधि यूज़ करेंगे वो है DNP विधि। सबसे पहली विधि जो हम यूज़ करेंगे इसका नाम है DNP विधि। इसके लिए कई सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं, एडमंड्स मेथड या एडमंड्स रिएजेंट, सेंगर्स रिएजेंट, DNP, डेंसाइल क्लोराइड मेथड, काफ़ी सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं एन टर्मिनल के लिए। ऐसे ही सी टर्मिनल के लिए भी कई सारे रिएजेंट हैं और उसका एंजाइमेटिक, अगर हमको सी टर्मिनल का एनालिसिस करना है तो वो एंजाइमेटिक एनालिसिस होता है, मतलब एंजाइम्स के साथ रिएक्शन कराई जाती है। कुछ विशेष एंजाइम होते हैं जो विशेष जगहों पर यानी विशेष पोजिशन पर काटते हैं उसको, तो आपको उससे एनालिसिस से पता चल जाता है। तो सबसे पहले जो हम विधि पढ़ने वाले हैं वो है DNP विधि, ठीक है। इसे सेंगर्स विधि भी कहते हैं, DNP विधि, इसे हम क्या कहते हैं, सेंगर्स मेथड या सेंगर्स, साइंटिस्ट थे सेंगर, उन्होंने दी थी तो उनके नाम पर इसे सेंगर विधि या DNP विधि कहते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट थे सेंगर, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, किसके लिए, इंसुलिन की डिस्कवरी के लिए। इंसुलिन जानते हैं ना, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है जो कि ग्लूकोज का क्या करता है, हाँ ग्लूकोज के पाचन में यूज़ होता है ना। तो इंसुलिन की जो खोज थी वो इन्होंने की थी सेंगर, इसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। यही थे सेंगर जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था और इन्होंने ही ये वाली विधि बनाई थी DNP विधि, तो इसको DNP विधि या सेंगर्स विधि भी कहते हैं, सेंगर्स मेथड भी कहते हैं। तो इस विधि में क्या होता है भाई, इस विधि में FDNB ये क्या होता है भाई, FDNB एक रिएजेंट है, FDNB जिसका नाम है 1, यहाँ से लिखूँ FDNB फ्लूरो डाई नाइट्रो बेंजीन, एक रिएजेंट है, कौन सा, फ्लोरो डाई नाइट्रो बेंजीन का यूज़ किया जाता है। लिख तो रहा होगा, तो इस विधि में फ्लोरो डाई नाइट्रो का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप पहचान जाओगे देखते ही कि ये कौन सा मेथड है, जहाँ पर FDNB ये वाला जो रिएजेंट दिया गया होगा फ्लोरो डाई नाइट्रो बेंजीन, तुरंत पहचान जाओगे कि कौन सा मेथड है, सेंगर्स मेथड है, क्योंकि ये जो रिएजेंट है सेंगर्स मेथड में ही यूज़ होता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि FDNB का सोडियम बाई कार्बोनेट किस में बना हुआ बिलियन लेते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, या FDNB की सोडियम बाई कार्बोनेट की उपस्थिति में, सोडियम बाई कार्बोनेट की उपस्थिति में किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, पेप्टाइड चेन के साथ रिएक्शन कराएंगे, पेप्टाइड के साथ रूम टेम्परेचर, RT मतलब कक्षीय ताप पर रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई, ये बनाता है 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल व्युत्पन्न बनाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ये जो FDNB है सोडियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति में पेप्टाइड चेन के साथ रिएक्ट करेगा, टेम्परेचर कितना रखना है, रूम टेम्परेचर, आपका जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर। तो जैसे ही ये पेप्टाइड से क्या करेगा, पेप्टाइड के एन टर्मिनल एनालिसिस कर रहे हैं तो कहाँ पर जाकर जुड़ेगा, एन टर्मिनल पर, तो पेप्टाइड के एन टर्मिनल पर जाकर जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, 2,4-डाई नाइट्रो व्युत्पन्न का बना लेता है, ठीक है। फिर एंड में क्या होता है, इसको फिर क्या करते हैं, अब ये जो होता है FDNB, ये जो व्युत्पन्न बना आपका,
ये जो वित्पुन बना इस पर किसी एसिड का असर नहीं होता, एसिड सेंसिटिव नहीं है, यानी कि एसिड से रक्षित होता है। आपके एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका हमको क्या कराना पड़ता है, फिर जल अपघटन कराना पड़ता है ना। तो जल अपघटन जो कराएंगे वो हम अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे क्योंकि एसिड सेंसिटिव नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकेंगे, यहाँ लिखते हैं कि अगले स्टेप में क्या किया जाता है कि प्राप्त डीएनपी व्युत्पन्न को या व्युत्पन्न का अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर क्या मिलता है। एक तो हमको मिलेगा डीएनपी अम्ल। डीएनपी अम्ल मतलब जिस टर्मिनल से डीएनपी जुड़ा है वो जो अमीनो एसिड था वो अलग हो जाएगा। तो एक तो मिलेगा डीएनपी अम्ल प्लस एवं अन्य अमीनो अम्लों का मिश्रण, मिश्रण ठीक है। ये है, लेकिन ये मेथड बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी पेप्टाइड चेन का जल अपघटन हो जाता है। इसका हम केवल एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, एक टर्मिनल का पता लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम सिक्वेंशियल एनालिसिस नहीं कर सकते कि एक निकल गया अब बाकी के तीन, जैसे चार अमीनो एसिड्स हैं, चार अमीनो एसिड्स जुड़े हुए हैं ठीक है, अब डीएनपी ने इसके साथ रिएक्शन की और ये अलग हो गया, जल अपघटन करने पर ये अलग हो गया, बाकी तीन तो जुड़े हुए हैं, फिर इसके साथ रिएक्शन करेगा फिर ये अलग हो जाएगा, फिर इसके साथ रिएक्शन करेगा ये अलग हो जाएगा। इस तरह से हम बारी बारी हर अमीनो एसिड का सिक्वेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं किसके बाद कौन सा अमीनो एसिड जुड़ा था ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ क्या होता है, अगर चार अमीनो एसिड्स जुड़े हुए हैं ठीक है और एफडीएनपी ने इसके साथ रिएक्ट की, तो ये जो व्युत्पन्न बना ये तो अलग होगा ही, साथ में ये सारी चेन टूट जाएंगी और ये सारे अमीनो एसिड्स एक बार में ही अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग हो जाएंगे तो उनका सिक्वेंशियल एनालिसिस हम नहीं कर पाएंगे, फिर हम नहीं बता पाएंगे कौन पहले था और कौन बाद में था, क्योंकि सारे अलग अलग हो गए एक साथ में ही, है ना। तो ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि हम सिक्वेंशियल एनालिसिस नहीं कर सकते, केवल ये बता सकते हैं कि एन टर्मिनल पर कौन सा था। क्योंकि आपको जो ये डीएनपी अम्ल मिलेगा इसको आप अलग से निकाल सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से, या कोई भी मेथड की सहायता से आप बता सकते हैं कि ये कौन सा अमीनो अम्ल था जो डीएनपी से जुड़ा हुआ है ठीक है। तो आप ये पता कर सकते हो कि एन टर्मिनल पर कौन था, लेकिन सिक्वेंस में कौन कौन से अमीनो एसिड जुड़े हुए थे ये इससे पता नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि कैसे होता है ये एनालिसिस ठीक है। थ्योरी में तो देख लिया, अब रिएक्शन करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। एग्जाम्पल करके देखते हैं कैसे करेंगे। मान लो कोई हमारे पास अमीनो एसिड की चेन है ठीक है, कोई भी अमीनो एसिड हो सकते हैं पेप्टाइड में। एक तरफ तो कौन सा होगा, NH2 ग्रुप होगा, एमीन ग्रुप एन टर्मिनल मुक्त होगा ठीक है। ये जुड़ा होगा C डबल बॉन्ड हो किसी और अमीनो एसिड के NH ग्रुप के साथ, NH ये C होगा, यहाँ से लिखूँ C R ग्रुप और यहाँ पर कोई H ग्रुप जुड़ा हुआ है ठीक है। इससे कौन सा होगा, एक CO। इससे मान लो कोई तीसरा अमीनो अम्ल जुड़ा हुआ है, इससे कोई तीसरा अमीनो अम्ल जुड़ा हुआ है NH ग्रुप, तो C R H और यहाँ पर हम ख़त्म कर देते हैं इसे COOH। तो ये क्या है, एक ट्राईपेप्टाइड है, क्या है, एक ट्राई पेप्टाइड है। तीन अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, एक तो ये, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, तो ये एक ट्राई पेप्टाइड है ठीक है। अब हमें इसकी रिएक्शन करानी है एफडीएनपी। अब ये क्या होता है एफडीएनपी, ये होता है भाई एफडीएनपी, नाम भले ही बड़ा है लेकिन स्ट्रक्चर छोटा है। ये होता है एफडीएनपी, फ्लोरो डाइनाइट्रो बेंजीन ठीक है। अब क्या होगा, ये है एफडीएनपी होता है, जितना बड़ा नाम है इसी का है छोटे से। अब क्योंकि जस्ट आपको दिख रहा होगा ये बेंजीन रिंग है ठीक है, अब यहाँ पर अभिक्रिया होगी। बेंजीन रिंग नॉर्मली कौन सी अभिक्रिया देती है, पढ़ा होगा ना सभी ने, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक नहीं हो रही, यहाँ जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी वो है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब कहोगे बेंजीन तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है, न्यूक्लियोफिलिक कब देती है, देती है बेंजीन की रिंग न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देती है, लेकिन दो तरीके से,
कभी पढ़ा होगा अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कभी भी पढ़ाया होगा, तो बेंजीन जो है दो तरीके से देती है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक तो होता है एडिशन एलिमिनेशन द्वारा, यानी पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा उसके बाद कोई ग्रुप बाहर निकलेगा, एडिशन एलिमिनेशन। और एक होता है कि पहले एलिमिनेशन होगा फिर एडिशन होगा, यानी पहले कोई ग्रुप बाहर निकलेगा और तब जाके एडिशन होगा। तो बेंजीन पर न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है लेकिन दो तरीके से, या तो एडिशन एलिमिनेशन होगी या तो फिर एलिमिनेशन एडिशन होगी। अब तुम कैसे पहचानोगे कि तुमको कौन सा मैकेनिज्म करना है, पहले एलिमिनेट करना है या पहले ऐड करना है, ये डिपेंड करता है बेंजीन की रिंग पर। अगर बेंजीन की रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो तो ये वाला मैकेनिज्म होता है। अगर बेंजीन की रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो तो ये मैकेनिज्म होता है। लेकिन अगर बेंजीन की रिंग पर क्या जुड़ा, बेंजीन की रिंग की रिएक्शन किससे हो रही हो, NaNH2 यानी लिथियम हाइड्राइड यानी प्रबल क्षार। अगर बेंजीन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, प्रबल क्षार, अगर प्रबल क्षार मौजूद है तो रिएक्शन होगी, पहले एलिमिनेशन होगा उसके बाद एडिशन होगा, है ना। लेकिन अगर बेंजीन की रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो पहले एडिशन होगा उसके बाद एलिमिनेशन होगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं फ्लोरीन नाइट्रो नाइट्रो तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यानी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा, एडिशन एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफाइल अब आसानी से अटैक कर देगा, क्यों कर देगा, क्योंकि रिंग में इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो रिंग में इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, कमी हो गई, तो पहले यहाँ एडिशन होगा उसके बाद एलिमिनेशन होगा। तो करते हैं कैसे होगा ये, देखिए कैसे करेंगे। एन टर्मिनल एनालिसिस हो रहा है तो एन टर्मिनल का यूज होगा भाई, सही है। यहाँ पर एमिनो ग्रुप दिख रहा है आपको, नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पे है, वहाँ है रिंग, रिंग पे है लीविंग ग्रुप, कौन है लीविंग ग्रुप, फ्लोरीन है। कौन सा मैकेनिज्म होगा, पहले ऐड होगा फिर एलिमिनेट होगा, बहुत आसान होता है। यहाँ से ये लोन पेयर जाकर अटैक करेंगे यहाँ पर इस कार्बन पर, अब कार्बन पांच बॉन्ड तो नहीं बनाएगा तो क्या करेगा, ये वाले बॉन्ड को शिफ्ट करेगा यहाँ पर। अब नाइट्रोजन पांच बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, चार तीन बॉन्ड तो पहले ही बने हुए हैं, एक दो तीन चार बॉन्ड तो पहले ही बने हुए हैं, ठीक है, पांच बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा भैया, ये कुछ ऐसा बनेगा, पहले नोट कीजिए इतना, फिर मैं मिटाना पड़ेगा मुझे, ऊपर वाला मिटा देती हूँ चाहे तो। देखते हैं क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, बेंजीन की रिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक तो जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, ठीक है, ये डबल बॉन्ड N हो गया, ये O माइनस हो गया और ये O ऐसे जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड से तो कोई छेड़छाड़ हुई नहीं, और यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है, ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस वाले ग्रुप को जोड़ दो, उल्टा जोड़ेंगे, ठीक है, ये NH2 से जुड़ा हुआ है ना, क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर, NH2, जैसे ही NH2 होगा यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये NH2 किससे जुड़ा हुआ है, ये NH2 जुड़ा हुआ है कार्बन से, ठीक है, R H, ये जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O से, ये जुड़ा हुआ है N H से, ये जुड़ा हुआ है C R और H से, ये जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O से, ये जुड़ा हुआ है अगेन N H से, और ये NH जुड़ा हुआ है अगेन कार्बन से, ठीक है, और कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, COOH से, यहाँ जोड़ देते हैं R और H, ठीक है, इस तरह से ही हमने जोड़ दिया। यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन हुआ है, अभी इस स्टेप में क्या हुआ है, केवल एडिशन, पहला स्टेप हुआ है, कौन सा हुआ है, एडिशन का। अगले स्टेप में कौन होना है, एलिमिनेशन, कैसे होगा एलिमिनेशन, अब ये वाला O- वापस अपनी जगह आएगा, ये वाला बॉन्ड अपनी जगह शिफ्ट होगा क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक नहीं रही तो एरोमेटिक होना चाहिए, तो ये बॉन्ड अपनी जगह शिफ्ट होगा, और जैसे शिफ्ट होगा यहाँ से F- कौन हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, F- बाहर हो जाएगा, क्या बनेगा भाई, F- को बाहर कर दिया, क्या बन गया, पूरा का पूरा बन गया भाई बेंजीन रिंग, ठीक है, अब तो बेंजीन रिंग पूरी जुड़ गई, और जहाँ पर F था वहाँ पर अब कौन जुड़ गया, N, कौन जुड़ गया, N जुड़ गया, NH, यहाँ से एक H प्लस निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आया है, जैसे नाइट्रोजन जुड़ेगा नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव,
ठीक है, यहाँ से F माइनस निकलेगा, यहाँ से क्या लेकर निकलेगा, H प्लस लेकर निकलेगा, तो माइनस एच एफ तो हो जाएगा, बचेगा क्या NH, और जो इससे ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको जोड़ दो, फिर से जोड़ो भाई, बस ये ध्यान रखना ग्रुप जोड़ते में गड़बड़ ना हो जाए, एच, फिर C डबल बॉन्ड हो, फिर N, एच, फिर C, R, H, अगेन C डबल बॉन्ड हो, एन एच, सी, सी ओ ओ एच, आर एच, ठीक है, इस तरह से जुड़ गया, जोड़िए भाई, थोड़ा लंबा जाएगा तो बोर्ड की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, बार बार घुमाना पड़ेगा कैमरा, ठीक है, ये बनेगा, इससे ये जुड़ गया, और यहाँ पर दो NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी एक NO2 ग्रुप है, ठीक है, अब एक ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है NO2, और एक ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है NO2, फ्लोरीन हट गया, ये क्या बनाए, DNP व्युत्पन्न बनाए, क्या बनाए, DNB व्युत्पन्न, यही है DNB व्युत्पन्न। अगले स्टेप में हम क्या कराएंगे, अगले स्टेप में हमें कराना है जल अपघटन, इसका क्या कराना है, हमें केवल जल अपघटन कराना है, क्योंकि ये तो जुड़ गया एन टर्मिनल से, जुड़ गया एन टर्मिनल से, ठीक है, ये तो जुड़ गया, अब ये DNB व्युत्पन्न बन गया, अब अगले स्टेप में जल अपघटन कराएंगे तो ये वाला जो अमीनो एसिड वाला पार्ट है, ये जो एसिड है ये अलग हो जाएगा, और ये अलग हो जाएगा, इसका हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता कर लेंगे कौन सा अमीनो एसिड जुड़ा था, बाकी के भी अमीनो एसिड का क्या हो जाएगा, जल अपघटन, वो भी सारे अलग अलग हो जाएंगे, तो इस वजह से हम आगे का सिक्वेंस एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, पहले इतना नोट कीजिए ताकि मुझे नीचे वाला मिटाना है, ठीक है, नीचे वाला मिटा देती हूँ, अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में मुझे इसका कराना है क्या, जल अपघटन, किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ H प्लस H2O, और हम जानते हैं H2O में क्या निकलेगा, OH माइनस निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा, OH माइनस, तो OH माइनस जाएगा, यहाँ अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और ये यहाँ पर टूट जाएगा, ठीक है, ये जुड़ा, ऐसे ही एक OH माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, ये ऊपर गया, नीचे आया, और ये वाला बॉन्ड इधर टूट जाएगा, और इस तरह से तीनों जो अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, तो क्या प्राप्त होगा, एक तो ये प्राप्त होगा, एक तो आपको ये मिलेगा, यहाँ पर जुड़ा हुआ है NH, सी, सी से कौन जुड़ा हुआ है, R, H, OH माइनस ने अटैक किया यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, OH, यही तो था DNB एसिड, डाइनाइट्रोबेंजीन एसिड, ठीक है, DNB एसिड बन गया ये, बाकी ये अलग हुआ है तो ये वाला अमीनो एसिड भी तो अलग हुआ है, यहाँ पर भी तो OH ग्रुप ने अटैक किया है, तो ये वाला पूरा अमीनो एसिड अलग हो गया, तो साथ में तुमको ये मिलेगा C डबल बॉन्ड O, OH, और यहाँ पर जुड़ा होगा C, यहाँ है R, H, और ये H2, यहाँ पर बन जाएगा NH2, क्योंकि अम्ल तो है ही उपस्थित, अम्ल है तो यहाँ तो NH2 ही हो जाएगा, कई बार कर चुके हैं हम अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं कैसे होगा, ठीक है, और ये वाला अमीनो एसिड भी अलग हो जाएगा, तो ये क्या था, R H COS, तो इसका फ्री था ही, और इधर से कौन फ्री हो जाएगा, NH2, तो इस तरह से सारे के सारे अमीनो एसिड अलग हो गए और जो N टर्मिनल पर था अमीनो एसिड वो इससे जुड़ गया DNB से, FDNB जो लिया था उससे जुड़ गया जो N टर्मिनल पर था, अब इसको हम अलग से निकाल लेंगे, पीले कलर का यौगिक होता है इसको अलग से निकाल लेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि ये कौन सा अमीनो एसिड था, लेकिन इनका पता नहीं कर सकते, ये तो जल अपघटन से पूरी की पूरी चेन एक बार में टूट गई, तो यहाँ पर सिक्वेंशियल एनालिसिस नहीं हो सकता, केवल क्या एनालिसिस कर सकते हैं, केवल एक ही फायदा इसका कि हम ये पता कर सकते हैं कि N टर्मिनल पर कौन सा अमीनो एसिड था जो कि इससे आकर जुड़ जाएगा, जो भी अमीनो एसिड इससे आकर जुड़ेगा वही N टर्मिनल पर मौजूद था, मान लो ये ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन पता चल जाएगा, अगर ये ग्लाइसिन होता तो यहाँ पता चल जाता ग्लाइसिन जुड़ा इससे आके, यानी एन टर्मिनल पर कौन सा अमीनो एसिड था, ग्लाइसिन था, एलानिन होता तो ये पता चल जाता एन टर्मिनल पर एनालिन है, तो हम यहाँ एन टर्मिनल का एलानिन तो एनालिसिस तो कर सकते हैं, लेकिन सिक्वेंस पूरी चेन में कौन सी किसके बाद कौन सा अमीनो एसिड है किसके बाद कौन सा वो एनालिसिस नहीं कर सकते, इस मेथड से तो नहीं कर सकते, इसके बाद जो मेथड पढ़ने वाले हैं उससे कर सकते हैं, नोट कीजिए पहले से,
एंड मार दिया। हो गया। इसके बाद जो हम विधि पढ़ने वाले हैं एंड टर्मिनल एनालिसिस की, उससे हम एंड टर्मिनल पर कौन है ये तो पता कर ही सकते हैं, साथ में ये भी पता कर सकते हैं सीक्वेंस में कौन थे, कौन कौन से अमीनो एसिड सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं, उससे दोनों काम हो जाते हैं। इसलिए वो इससे बेटर विधि है, वो जो विधि है इससे बेटर है, जिसको हम बोलते हैं एडवांस विधि, एडवांस मेथड, एडवांस विधि। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांस मेथड। एडमान विधि क्या होता है इस विधि में, वन मिनट। ये सबसे अच्छी विधि है सेंगर्स विधि से, तो काफी अच्छी विधि है, इससे हम दोनों काम कर सकते हैं एंड टर्मिनल एनालिसिस और सिक्वेंशियल एनालिसिस। तो यहाँ क्या होता है भाई, यहाँ हम लिख सकते हैं इस विधि में फिनाइल आइसो थायो साइनेट के साथ तनु क्षार की उपस्थिति में पेप्टाइड या प्रोटीन भी तो पेप्टाइड से ही बने होते हैं, पेप्टाइड्स की चेंज होती है, तो पेप्टाइड या प्रोटीन को अभिकृत कराने पर की उपस्थिति में पेप्टाइड या प्रोटीन को अभिकृत कराने पर, ठीक है, जैसे ही हम अभिकृत कराएंगे तो क्या बनता है, कराने पर फिनाइल थायो कार्बेमिल पेप्टाइड बनता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीटीसी पेप्टाइड। ठीक है, बनता है जिसका अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर, अम्ल की उपस्थिति में, जल अपघटन कराने पर पीटीएच बनता है भाई। पीटीएच क्या है, पीटीएच है फिनाइल थायो हाइडेंटोइन। हाइडेंटोइन याद है ना, जब हम एमिनो एसिड्स का संश्लेषण कर रहे थे वहाँ यूज किया था, वही बनता है फिनाइल, लेकिन यहाँ कौन सा बनता है, फिनाइल थायो हाइडेंटेन, हाइडेंटोइन बनता है तथा शेष पेप्टाइड अणु, अप्रभावित रहता है जिसकी पुनः किसके साथ, फिनाइल थायो आइसो साइनेट के साथ अभिक्रिया द्वारा विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है, वही है, यहाँ पर चेन टूटती नहीं है। अभी जो हमने किया था एडमंड्स मेथड, वहाँ पर क्या हुई थी, चेन टूट जाती है ना, वहाँ क्या हो गई थी, चेन टूट गई थी है ना, पेप्टाइड चेन में तीन लिए थे ना हमने ट्राई पेप्टाइड, तो हमें निकालना तो केवल एंड टर्मिनल वाला था, लेकिन उसके साथ साथ पूरी चेन टूट गई, सारे अमीनो एसिड अलग अलग हो गए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ अगर हमको एंड टर्मिनल वाला निकालना है जल अपघटन पर, तो केवल वही निकलेगा एंड टर्मिनल वाला, बाकी की चेन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और बाकी की चेन एज इट इज रहेगी, तो फिर से रिएक्शन करा देंगे, फिर जो एंड टर्मिनल पर होगा वो जुड़ जाएगा, फिर जल अपघटन करा देंगे फिर वो अलग हो जाएगा, जो बचा हुआ है उसके साथ फिर रिएक्शन कराएंगे, फिर वो जल अपघटन के साथ अलग करा लेंगे, इस तरह से सारे एमिनो एसिड एक एक करके बारी बारी से अलग होंगे। तो इस तरह से आप एंड टर्मिनल एनालिसिस तो करोगे, साथ में सिक्वेंशियल एनालिसिस भी हो जाएगा, यानी ये भी पता चल जाएगा कि सबसे पहले कौन सा एमिनो एसिड जुड़ा था, उसके बाद कौन सा था, क्योंकि आपको ऐसे ही सिक्वेंस में प्राप्त होंगे ना एमिनो एसिड, तो दो काम कर सकते हो। ये जो मेथड है ज्यादा यूज होता है, क्योंकि इससे दो काम हो सकते हैं, एक तो एंड टर्मिनल एनालिसिस और एक दूसरा सिक्वेंशियल एनालिसिस। तो ये होता कैसे है, मान लो कोई हमारे पास
पेप्टाइड है जैसे अभी हमने लिया था वैसे ही ले लेते हैं। NH2, सी, कोई भी अमीनो एसिड जुड़े हो सकते हैं इससे, एच, ठीक है, यहाँ पर है सी डबल बॉन्ड ओ, ये किसी दूसरे के साथ जुड़ा होगा NH, ये सी आर एच, ये सी डबल बॉन्ड ओ, मान लो ये किसी दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ है तो सी आर एच, एच, और यहाँ पर है सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये कोई पेप्टाइड चेन है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करानी है, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, मैं यहाँ लिख दूँ क्या होता है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, ये होता है पी एच सी, सॉरी एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस, ये पी एच क्या होता है जानते हो ना, फिनाइल मतलब बेंजीन की रिंग, ये होती है बेंजीन की रिंग, मैं पूरा बना के लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ नीचे, एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस, ये है फिनाइल आइसो थायो साइनेट, क्या है फिनाइल आइसो थायो साइनेट, यहाँ पर है आपके पास अमीनो ग्रुप, एन टर्मिनल एनालिसिस के लिए यूज होता है, तो यही अमीनो ग्रुप पर रिएक्ट करेगा, ये तो रिएक्ट कर नहीं सकता है ना, क्योंकि ये कार्बन जो है इधर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है इधर सल्फर जुड़ा हुआ, दोनों अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो ये कार्बन कैसा होता है डेल्टा पॉजिटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और कमी है तो ये ऐसे ग्रुप से रिएक्ट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, और कहाँ होती है नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन क्या करेगी यहाँ पर अटैक करती है, तो होगा क्या, पहले ये बॉन्ड सल्फर पर जाएगा फिर वापस आएगा अपनी जगह, और जैसे ही वापस आएगा ये वाला बॉन्ड कहाँ मूव हो जाएगा नाइट्रोजन पर, ठीक है। जैसे ही ये बॉन्ड नाइट्रोजन पर जाएगा इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा है ना, और यहाँ पर नाइट्रोजन जैसे ही इस कार्बन से जुड़ेगा कितने बॉन्ड बना लेगा चार, क्योंकि तीन तो पहले से ही बने हुए हैं, चार चार बनाएगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ से ये क्या त्यागेगा एक एच प्लस त्यागेगा, ऐसे लिख दूँ एच और एच, तो यहाँ से क्या त्यागेगा एक H प्लस त्यागेगा, उस H प्लस को कौन ले लेगा ये वाला माइनस, ठीक है, ये बॉन्ड इधर आया शिफ्ट तो इधर कैसा चार्ज आएगा माइनस चार्ज, इधर है पॉजिटिव चार्ज तो ये माइनस क्या करेगा यहाँ से H प्लस को ले लेगा और ये नाइट्रोजन चेंज हो जाएगा NH में, तो ये आगे क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा, मैं लिख सकती हूँ इसको ऐसे, ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर रह जाएगा NH, ठीक है, NH, नाइट्रोजन ने किस पर अटैक किया है कार्बन पर, इधर जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड एस, इधर जुड़ा हुआ है एन, और एन से जुड़ी हुई फिनाइल रिंग बेंजीन रिंग, पीएच लिख सकते हो बेंजीन रिंग को, ठीक है पीएच, और जैसे इस बॉन्ड इस पर बॉन्ड ये वाला बॉन्ड यहाँ नाइट्रोजन पर शिफ्ट हुआ है तो इस पर कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, और इससे एक और हाइड्रोजन जुड़ा होगा और ये तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो चार बॉन्ड तो बना नहीं सकता नाइट्रोजन, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या करेगा तुरंत एच प्लस को त्यागेगा, और इस एच प्लस को कौन ले लेगा ये ले लेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो ये बनेगा यहाँ तो रह जाएगा केवल NH और यहाँ पर भी N माइनस की जगह कौन बन जाएगा NH, ठीक है, और बाकी एज इट इज़ ये जुड़ा हुआ है जो उससे जोड़ दो R H C डबल बॉन्ड O NH C R H C डबल बॉन्ड O NH C R H C O OH, ये इस तरह से जोड़ दिया हमने, ठीक है। अगले स्टेप में क्या कराना है, वही जल अपघटन कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन, क्या कराना पड़ेगा भाई हमको अगली इस स्टेप में, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराना पड़ेगा, तो क्या होगा बिल्कुल वैसे ही, अब इस बार पूरी चेन का जल अपघटन नहीं होगा, केवल जो एन टर्मिनल पर मौजूद है उसका जल अपघटन होगा, तो अब हम यहाँ पर क्या होगा अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन होगा, मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ वरना आपको टेढ़ा मेढ़ा मुझे ले जाना पड़ेगा, मैं इसको ऐसे लिख दूँ C डबल बॉन्ड S, ठीक है N और ये है H जुड़ गया इस पर और ये हो गया पी एच, इधर लिख दिया मैंने, इधर लिखूंगी तो मुझे रिएक्शन कराने में आसानी होगी, ठीक है ऐसे लिख दिया, तो यहाँ तो अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराना पड़ेगा, अम्ल भी कौन सा ले सकते हैं हम HCl ले सकते हैं या फिर इसकी जगह ये ले सकते हैं CCl3 CCl3COH है ना, ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड ले सकते हैं, इनकी उपस्थिति में होता क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या होते हैं लोन पेयर, यहाँ पर कौन सा है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, क्योंकि हम क्या कह रहे थे अगर जल अपघटन नॉर्मल वाला कराएंगे जैसे पिछले स्टेप में कराया था तो पूरी चेन का जल अपघटन हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना कि केवल इस कार्बोनिल पर होगा, पूरी चेन का जल अपघटन हो जाएगा फिर तो पूरी चेन टूट जाएगी, तो हम पूरी चेन को तो तोड़ नहीं सकते, तो हमको क्या करना है
ये लेना है अम्ल की उपस्थिति में H प्लस H2O लेना है, या तो कौन सा अम्ल लेना है, या तो HCl लेना है या तो CCl3COH लेना है। फिर क्या कराना है, कोई भी अम्ल होगा उसकी उपस्थिति में अपघटन कैसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं ये अटैक करेंगे इस कार्बोनिल ग्रुप पर, ठीक है। आप जानते हो कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक कैसे होता है, फिर ये बॉन्ड क्या करेगा, ऑक्सीजन पर आएगा, फिर ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड वापस अपनी जगह जाएगा, और जैसे ही जाएगा कार्बन पांच बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो ये वाला पार्ट जो है अलग हो जाएगा बिना आगे की चेन को तोड़े हुए, है ना, आगे की चेन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये वाला बॉन्ड जैसे ही एन पर जाएगा तो इस एन पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा इस एन पर, है ना, और यहाँ पर नाइट्रोजन चार बॉन्ड बनाएगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस, तो यहाँ से ये क्या थी आगेगा एच प्लस, इस एच प्लस को कौन ले लेगा, ये वाली नाइट्रोजन, तो यहाँ पूरा एन एच टू ग्रुप बन जाएगा, और ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये ऐसा ही तो है, यहाँ पर है आर, यहाँ पर है एच, ठीक है, यहाँ पर क्या है एन एच, ठीक है, फिर ये किससे जुड़ा हुआ है, सी, सी से कौन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड एस, ठीक है, यहाँ पर कौन है एन, एन से एच तो चला गया एच प्लस उसने ले लिया, और यहाँ एन से कौन जुड़ा हुआ है, एन से जुड़ा हुआ है पी एच, ठीक है, इससे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये सी डबल बॉन्ड ओ किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, तो यही है पी टी एच, फिनाइल थायो हाइडेंटोइन, क्या बोलते हैं इसको, क्या है ये, फिनाइल थायो हाइडेंटोइन, ठीक है। इस तरह से जो एन टर्मिनल पर अमीनो अम्ल मौजूद था, एन टर्मिनल पर जो भी अमीनो अम्ल मौजूद था एक्स वाई जेड जो भी होगा वो क्या बना लेता है, वो बना लेता है हाइडेंटोइन, किसमें यूज हो जाता है, हाइडेंटोइन बनाने में यूज हो जाता है। और यहाँ पर आपको आर ग्रुप पता हो तो आप बता सकते हो आर ग्रुप को देखकर कि कौन सा है, अगर आर बराबर एच होता तो फिर ये कौन सा अमीनो एसिड आता है इसके अंदर, ये पूरा पार्ट, अगर मैं इतने को दुबका दूं तो ये पूरा पार्ट क्या बता रहा है, एमिनो एसिड को ही तो बता रहा है, तो हाइडेंटोइन का ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये एमिनो एसिड है। अगर R बराबर H लगा दूं तो दोनों H वाला कौन सा होता है, ग्लाइसिन, तो फिर ये कौन सा होता है, ग्लाइसिन होता। अगर CH3 लगा दूं तो एलानिन होता, आइसोप्रोपाइल लगा दूं तो फिनाइल एलानिन, सॉरी एलान वैलिन हो जाता। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं इस हाइडेंटोइन के स्ट्रक्चर का एनालिसिस करके, इस हाइडेंटोइन की स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करके ये बता सकते हैं कि यहाँ पर इसमें कौन सा अमीनो अम्ल था जो एन टर्मिनल पर जुड़ा हुआ था जिसने हाइडेंटोइन बनाने में भाग लिया, और बाकी की चेन एज इट इज़ रह जाएगी, बाकी की चेन एज इट इज़ रह जाएगी। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ बाकी की चेन को, यहाँ लिख दूँ बाकी की चेन एज इट इज़, यानी कि क्या है NH2, यहाँ NH2 है, ये किससे जुड़ी हुई है, कार्बन से, कार्बन पे जुड़ा हुआ है R ग्रुप और H ग्रुप, R ग्रुप और H ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, ये जुड़ा हुआ है NH से, ये जुड़ा हुआ है किसी कार्बन से R ग्रुप H, और इससे जुड़ा हुआ है COOH, ठीक है। इसका मतलब ये वाली जो चेन थी बाकी की, केवल एक जो N टर्मिनल पर लगा हुआ था अमीनो एसिड वो अलग हुआ है इसके साथ, जो बाकी की चेन है एज इट इज़ बची हुई है ना, बाकी की पेप्टाइड चेन जो है वो एज इट इज़ बची हुई है। अब हम क्या करा सकते हैं, इस पेप्टाइड चेन की दोबारा इसके साथ रिएक्शन करा सकते हैं, ये जो रिएजेंट है दोबारा इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो अब ये रिएजेंट कहाँ जुड़ेगा, इस वाले टर्मिनल पर जुड़ेगा, फिर ऐसे ही अपघटन कराएंगे तो ये वाला एमिनो एसिड, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, फिर ये वाला रह जाएगा, फिर एंड में जाकर इसका एनालिसिस कर लेंगे। इसलिए एडमंड्स मेथड सेंगर मेथड से बेटर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम एन टर्मिनल एनालिसिस के साथ साथ सिक्वेंशियल एनालिसिस भी कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा अमीनो एसिड जुड़ा था, उसके बाद कौन सा जुड़ा है, उसके बाद कौन सा जुड़ा है, और पूरी चेन में हम इसी तरह से सिक्वेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये था आपका एडमंड्स मेथड, ठीक है, नोट कीजिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं जगह वो, तो हाँ यहाँ लिख सकते हैं, अतः उपयुक्त प्रक्रम को बार बार दोहरा कर पेप्टाइड चेन में अमीनो अम्लों का क्रम ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए यह विधि सेंगर विधि से अधिक उपयोगी है
ठीक है। तो ये कुछ मेथड थे एन टर्मिनल एनालिसिस के, और भी मेथड्स हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम और जो बचे हुए एन टर्मिनल एनालिसिस के मेथड हैं और जो सी टर्मिनल के मेथड हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नोट कीजिए अभी, मिलते हैं अगली वीडियो में।